हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, जो कल की वीडियो में पेंडिंग था, जिसमें अगला हमारा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एन, नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैथमेटिकली एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसको लीटर बनाने के लिए 1000 ऊपर, ये इक्वेशन 1/2 की है। बट ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो देयरफॉर ऊपर वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ओवर इक्विवेलेंट मास, ये ई की जगह, इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर। किसमें? मिलीलीटर में। आपकी इक्वेशन सेकंड है, बट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देयरफॉर मैं इक्वेशन 2 में ये वैल्यू डालूंगा, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मास अपॉन, में लिखना चाहिए मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर को ऊपर ले जाता हूं, एन फैक्टर ओवर मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो एन फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये एन फैक्टर है। इस पर एक न्यूमेरिकल, कोई आपसे कह देता है कि फाइंड आउट द मास ऑफ KMnO4 required for 200 milliliter aqueous solution having normality, जिसकी normality है N/20, का मतलब है 1/20। ये क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम दे देते हैं हम आपको, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए KMnO4, जो MnO4 नेगेटिव होता है, MnO4 नेगेटिव KMnO4 के अंदर, वो एसिडिक मीडियम 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? Mn2 प्लस बन जाएगा 4H2O, ये बन जाएगा। यहां पर n फैक्टर आप देखेंगे तो 5 है, n फैक्टर है ये, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और KMnO4 का मोलर मास 158 होता है,
नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? देखो इक्वेशन वन में इक्विवेलेंट चाहिए जो आपको निकालने पड़ेंगे अलग से। इक्वेशन दो में ये मास बाय इक्विवेलेंट मास मेरे पास नहीं है। जो इक्वेशन तीन में ये मास दे रखा है, मास निकालना है, मास तो मोलर मास 158 दे रखा है, मोलर मास 158 मास निकालना। नॉर्मेलिटी दे रखी है 1/10, 1/20। एन फैक्टर 5। वी दे रखा है 200 ml बनाना, आपको कितना बनाना है 200 ml। तो आप इक्वेशन वन को भी अप्लाई मत करिए, इक्वेशन दो को भी मत करिए, सबसे सुटेबल इक्वेशन है आपकी इक्वेशन थर्ड। तो नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो इक्वेशन थर्ड को ऑलवेज अप्लाई करें और आसानी से निकालनी। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो भी मास डालो, मोलर मास डालो, एन फैक्टर डालो, वॉल्यूम डालो। नॉर्मेलिटी मास निकालना है तो देखो मास नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, मास मोलर मास ये सब गिवन होंगे, मास निकाल लो। जैसे अब मास निकालना है मुझे तो नॉर्मेलिटी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड थर्ड से देखते हैं, इससे ये थर्ड इक्वेशन थर्ड से देखता हूं तो नॉर्मेलिटी आपका 1/20 इज इक्वल टू मास, मैंने निकालना है मास, अपॉन मोलर मास 158 ये रहा, इनटू एन फैक्टर 5 ये रहा, इनटू 1000 इक्वेशन के अंदर, ओवर 200 ml 200 ml। ठीक है, क्या चीज अननोन है? देखो इक्वेशन में केवल मास, बाकी सब नोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास को निकाल लो। तो ऐसे मास आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम नॉर्मेलिटी पे दे सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी सीखने के लिए इक्वेशन 3 को जरा अच्छे से दिमाग पे सेट कर लें। जब भी नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आए तो डालो वैल्यूज, जब भी मास निकालना है तो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और निकालो क्वेश्चन को। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू, ये इक्वेशन ये सॉल्यूशन वन के लिए है, ये सॉल्यूशन सेकंड के लिए है। इस इक्वेशन के अंदर फोर पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर 1, 2, 3, 4। फोर में से कोई थ्री गिवन होंगे फोर टू बी कैलकुलेटेड। अगर आप एन टू निकालना चाहते हैं तो एन टू इज इक्वल टू होगा एन वन वी वन ओवर वी टू, आप आसानी से निकालेंगे किसी को भी ऐसे। ठीक है, दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइट्रेशन एज यू हैव डन इन द लैब्स। और इसकी केस है, इसके केस नॉर्मेलिटी इक्वेशन के, केस वन है व्हेन सॉल्यूशन वन प्लस सॉल्यूशन टू। अगर आप सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू को ऐड करते हैं तो एसिड प्लस एसिड, एसिड प्लस एसिड केस के लिए क्या हो जाएगा? एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू इज इक्वल टू रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी एन थ्री वी वन प्लस वी टू। इससे आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी एन थ्री निकाल सकते हैं। तो एन थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, आसानी से। बट अगर एक अगर आपका एसिड है और दूसरा बेस है, आप जिन सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं वो एसिड प्लस बेस टाइप है, तो एसिड के लिए चलो मैं एन वन वी वन, माइनस बेस के लिए क्या करना पड़ेगा? एन टू वी टू। साइन माइनस क्यों लगाया इधर? क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सो साइन नेगेटिव। तो इसमें भी क्या होगा? नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी एन थ्री वी वन प्लस वी टू ये आ जाएगा। यहां से आप एन वन वी वन माइनस एन टू वी टू है, इसमें अगर एन टू वी टू आपका ज्यादा आ जाए, वैल्यू ग्रेटर हो, साइन नेगेटिव आए, तो भी हमने साइन नेगेटिव नहीं उठाना। वी ऑलवेज यूज द डिफरेंस इन पॉजिटिव साइन।
to find out the normality, क्योंकि normality या concentration हमेशा positive sign रखती है, तो क्या करेंगे हम, n3 निकालना है, तो n1 v1 minus n2 v2, इसका difference with positive value always upon v1 plus v2, आप निकाल लेंगे n3 से, तो इसका use, इस equation का use करके, अगर हम दो solution mix कर रहे हैं, और resultant solution की concentration आपसे पूछ रहे हैं, तो इस इक्वेशन का यूज आप कर सकते हैं. फॉर्मेलिटी टर्म जो है वो जस्ट नॉर्मेलिटी है इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स. दिस टर्म इज यूज्ड, इस टर्म का यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन डिटरमिनेशन. कंसंट्रेशन डिटरमिनेशन when the solute taken are ionic, when the solute taken are ionic, अगर solute taken जो आपके वो ionic है तो कैसे हैं ionic solute के लिए, like कोई कह दे कि भाई NaCl का solution है, कोई कह दे भाई आपका copper sulfate का solution है, etc. ये ionic solute है तो आपको मोलरिटी का यूज करने के बजाय ही फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी असल में क्या होती है, इट इज जस्ट मोलरिटी या इट इज द कंसंट्रेशन टर्म इन प्लेस ऑफ मोलरिटी व्हेन द सॉल्यूट टेकन आर आयनिक. फॉर्मेलिटी एफ इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ग्राम के अंदर ओवर मोलर मास की बजाय हम यूज करेंगे यहां पे यूनिट फॉर्मूला मास, यूनिट फॉर्मूला मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इस इक्वेशन का यूज करेंगे और फॉर्मेलिटी निकाल देंगे. तो आपके पास मान लिया एक क्वेश्चन है, मैं ये कह देता हूं कि you are provided with milliliter aqueous solution of copper sulfate, then predict its a कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन निकालो. तो कंसंट्रेशन के लिए आप क्या-क्या पढ़ चुके, कंसंट्रेशन के लिए आप पढ़ चुके परसेंट बाय मास, कंसंट्रेशन के लिए आप पढ़ चुके परसेंट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन के लिए आप पढ़ चुके मोलरिटी, कंसंट्रेशन के लिए आप पढ़ चुके मोलेलिटी, कंसंट्रेशन के लिए आप पढ़ चुके नॉर्मेलिटी, और कंसंट्रेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी. ये क्रम आप पढ़ चुके कंसंट्रेशन के लिए. तो क्योंकि सॉल्यूट आपका देखो कॉपर सल्फेट है, आयनिक है, आयनिक है, तो आप किसका यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी आयनिक के लिए. तो आप फॉर्मेलिटी का यूज करेंगे इन सब में से, सूटेबल फॉर्मेलिटी. और फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू देखो इक्वेशन 1 में मास इन ग्राम अपॉन यूनिट फार्मूला मास इनटू, यूनिट फार्मूला मास इज इक्वल टू मोलर मास होता है, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्वस सॉल्यूशन प्रेडिक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ इट कंटेन, वो थोड़ा ओवर ऐड करना पड़ेगा इसमें, इफ इट कंटेन, if it contains, अगर इस solution में आपने dissolve किया है 6.35 gram copper sulfate, ये question है. चलो formality is equal to mass of solute कितना है 6.35 gram, तो 6.35 gram molar mass या unit formula mass copper sulfate आपका
तो कॉपर सल्फेट का देखो, कॉपर सल्फेट कॉपर का 35, ये 63.5, कॉपर का 65 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 9.4, ये 64, इन सबको ऐड कर लो जरा। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 0.5, और 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, और 6 3 9 9 और 6 15, तो ये 15 159.5, 159.5, ये यूनिट फार्मूला मास आ गया आपका, यूनिट फार्मूला मास, सब आइटम को ऐड कर दिया मास। इनटू क्या लिखूं, 1000 ओवर कितना वॉल्यूम पर पेयर करवा रहे हैं, 250 आपसे, 250 कट दीजिए इनको 4 पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मेलिटी निकाल लीजिए। तो आयनिक सॉल्यूट हो तो कंसंट्रेशन हमेशा फॉर्मेलिटी निकालते हैं, और फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मास, जो मास आपको दे दिया वो यूनिट फार्मूला मास, जस्ट लाइक मोलर मास, जैसे मोलर मास आप निकालते हैं वो, तो ये यूनिट फार्मूला मास होता है। यूनिट फार्मूला मास में भी डिफाइंड एज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन टू ए आयनिक यूनिट, और ये वॉल्यूम जो आपको प्रिपेयर करना है वो, ये सब डाल लो, फॉर्मेलिटी निकाल लो। पी पी एम पार्ट्स पर मिलियन, इस टर्म का यूज हम करते हैं टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन और कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन एयर और सी वाटर। दिस टर्म इज यूज्ड, इस टर्म का यूज हम करते हैं यूज्ड फॉर, किसके लिए करते हैं, फॉर एयर और सी वाटर। एयर और सी वाटर के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं, एयर के लिए या सी वाटर के लिए, तो वहां पे यूज करते हैं। पीपीएम इज इक्वल टू होता है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट, सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास इनटू 10 to the power 6, ऐसे हम पीपीएम निकाल लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। तो मैं मान लिया आपको एयर के अंदर मेरे पास सॉल्यूशन एयर का 1 किलोग्राम, सॉल्यूशन एयर का 1 किलोग्राम एयर है मेरे पास, जिसमें से 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का देता हूँ, उसकी कंसंट्रेशन बताइए जरा। तो इस पर न्यूमेरिकल देखो डाल सकता हूँ मैं आसानी से, 1 kg एयर, 1 किलोग्राम एयर कंटेन्स 0.03 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, गैस इन एयर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन बन है। तो इसमें क्योंकि एयर आ गया या सी वाटर आ गया, तो बाकी कंसंट्रेशन टर्म आपको देखनी नहीं है, जस्ट आपको पीपीएम निकालना है। तो यहाँ पे पीपीएम इज इक्वल टू मास कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 ग्राम ओवर, ग्राम में लिखिए 1 kg को 1000 ग्राम, ठीक है, इंटू 10 to the power 6 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 और लगा लेता हूं मैं, 2 0 तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका 10 ppm, कितना आ गया आपका 10 ppm, तो ppm की वैल्यू 10 थी इसमें, मतलब कंसंट्रेशन जो थी कार्बन डाइऑक्साइड की वो 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन थी। तो ऐसे आप आसानी से यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहां बचेगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 330 ppm आ जाएगा, 30 ppm आ जाएगा, 30 ppm आ जाएगा, ये 10 नहीं 30 आएगा क्योंकि 3 भी है इसमें साथ में, तो ऐसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन आता है आउट ऑफ मोलेरिटी, मोलेलिटी एंड नॉर्मेलिटी व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनमें से टेम्परेचर के द्वारा कौन सी टर्म अफेक्ट नहीं होती, तो इसका आंसर है मोलेलिटी। तो आंसर क्या है, मोलेलिटी। क्यों नहीं होती, बिकॉज मोलेलिटी टर्म जो है इनवॉल्व मास, इट इज बाय मास, बाकी बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर बट मास इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सो मोलेलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये कहता है आउट ऑफ मोलेरिटी एंड मोलेरिटी, मोलेरिटी और मोलेरिटी में से व्हिच इज ए बेटर मेथड, कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा फॉर कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, आपको कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन करनी है, कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, उसके लिए मोलरिटी अच्छा रहेगा या मोलेलिटी अच्छा रहेगा, लिटी अच्छा रहेगा या मोलरिटी, तो लिटी अच्छा रहेगा, आंसर क्या है आपका मोलेलिटी। क्यों अच्छा रहेगा मोलेलिटी, बिकॉज मोलेलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट नहीं होती। तो आपका ये था, अगला एक क्वेश्चन है आउट ऑफ वन मोलर एंड वन मोलल सॉल्यूशन विच हैव हायर कंसंट्रेशन, विच हैव हायर कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन दोनों में ज्यादा है, तो आंसर आपका वन मोलर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलर की ज्यादा होगी मोलर की बजाय, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि मोलर सॉल्यूशन जो होता है मोलर, इट कंटेन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और ये टोटल जो मोलर होता है ये 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इंक्लूड बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और ये 1 kg सॉल्वेंट, सो कंसंट्रेशन मोलर की ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर सॉल्यूशन, बिकॉज मोलर सॉल्यूशन इंक्लूड मोर ग्रेटर मास ऑफ सॉल्वेंट या मोर मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट आपका रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये दो टर्म्स हैं इनके बीच में रिलेशन, तो रिलेशन जो होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटरमिन करने के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिलेशन अगर हमें आते हैं तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती हैं वो आसानी से सोल्व होती हैं, वो आसान बन जाती हैं, तो रिलेशन है कुछ उनको अच्छे से याद कर सकते हैं हम। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये होती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। कोई आपसे मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास है और कोई मेरे से क्वेश्चन करे कि इफ यू आर प्रोवाइडेड विद, अगर आपको प्रोवाइड किया गया है विद ए 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, देन इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, तो आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी,
देखिए आंसर, H2SO4 को तोड़िए एंड फैक्टर निकालिए, H2SO4, H2SO4 टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर n फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी हाफ की 2 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज -2 तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन 2 है। अब आइए मोलरिटी आपको निकालनी है, नॉर्मेलिटी गिवन है, कितनी नॉर्मेलिटी है 0.2, 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं 2/10 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2, 2 को ही कर लिया हो एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2×10, एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 1/10, यानी कि मोलरिटी आपकी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। ऐसे आप आसानी से, तीन पैरामीटर हैं 1, 2, 3, तो अगर आपको दो पैरामीटर गिवन है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी का रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। मोलरिटी और मोलेलिटी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के बीच में रिलेशन, तो इसके लिए मोलरिटी की डेफिनेशन लेंगे और मोलेलिटी का फार्मूला ले लेंगे। तो लेट एम जो है ना कैपिटल एम बी द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बट जो मोलेलिटी की इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, स्मॉल एम मोलेलिटी इज इक्वल टू, मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास इनटू 1000, सॉल्वेंट का मास ग्राम में लेंगे हम ग्राम के अंदर, ये है इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है मोलेलिटी की इक्वेशन। अब जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन की जगह आप क्या डाल सकते हैं एम, और पुटिंग द वैल्यूज स्मॉल एम इज इक्वल टू आ जाएगा ये एम इनटू 1000 ओवर आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास की जगह क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ है सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास हम डेंसिटी से निकालते हैं, किससे निकालते हैं डेंसिटी, और सॉल्यूट का मास हम नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है देखो 1000 मिलीलीटर, डेंसिटी डी मान लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा 1000 डी, मैं इस वैल्यू को यहां लेके आऊंगा इसकी जगह सॉल्यूशन का मास। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू क्या होगा मास बाय मोलर मास, और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इज इक्वल टू आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल कितने एम, तो ये मैं एम डाल दूंगा और मान लेता हूं मोलर मास एम टू, सॉल्यूट का मोलर मास एम टू, तो ये सॉल्यूट का मास आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं यहां ले आऊंगा, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी देखो आगे, अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो देयरफॉर मोलेलिटी एम इज इक्वल टू एम इनटू 1000 ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 1000 डी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट आपका एम एम टू। ये देखिए ये आगे रिलेशन आपका किसका रिलेशन है मोलेलिटी एंड मोलेरिटी, अगर मैं आपको मोलरिटी दे दूं मोलेलिटी पूछ लूं तो आप इस रिलेशन से आसानी से निकाल पाएंगे,
मोलेलिटी, अगर मैं ये कह दूं कि आपको 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास हो जाएगा 60 इज प्रोवाइडेड विच हैव ए डेंसिटी ऑफ, जिसकी डेंसिटी मैं दे दूं, फाइंड आउट इट्स मोलेलिटी, मोलेलिटी निकालो, तो आप इस इक्वेशन को यूज करो, आसानी से मोलेलिटी या मोलरिटी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये भी आपकी मोलरिटी है और ये भी आपकी मोलरिटी है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है M2, डी डेंसिटी और M मोलरिटी है। तो इस इक्वेशन का इक्वेशन 2 का यूज करेंगे और क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व करेंगे। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, तो इसके लिए मोलरिटी की फिर डेफिनेशन उठाएंगे। लेट कैपिटल एम बी द नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, ये 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। लेट मान लेते हैं M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मान लेते हैं M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मान लेते हैं D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देन जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, मोल फ्रैक्शन X2 इज इक्वल टू, पता है क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ ए मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, ये रही M, तो N2 की जगह तो आप क्या डाल देंगे, कैपिटल M, और N1 की जगह आप क्या डाल देंगे, N1 की जगह आपको डालना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्वेंट का मास अगर आपको निकालना है, सॉल्वेंट का मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का मास आपको निकालना है तो इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास हम किससे निकालते हैं, डेंसिटी, जो पीछे क्या आया था डेंसिटी से 1000 डी, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट क्या आया था, नंबर ऑफ मोल से निकाला था और ये आ गया था Mm2। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास 1000 डी माइनस Mm2 ओवर M2 मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। मोलर मास तो M1 है सॉल्वेंट का, M1। अब जरा इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल दीजिए, आपका X2 इज इक्वल टू आ जाएगा M ओवर M प्लस 1000 डी माइनस M2 ओवर M1। ये इक्वेशन आपकी आ जाती है, M1 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा X2 इज इक्वल टू M ओवर M1 प्लस 1000 डी माइनस M2 ओवर M1 ओवर ए M1। इस M1 को ऊपर ले जाता हूँ मैं, इसको M1 को इसको यहां से मिटा के ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा M1। तो आपका MM1 प्लस 1000 डी माइनस MM2, ये इक्वेशन आती है आपकी, ये देखो ठीक है, ये इक्वेशन आपकी आ जाती है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। ये मोलरिटी, मोलरिटी और ये मोलरिटी, तो इसमें आप रिलेशन में
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोलरिटी, और मोलरिटी दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है एक्स टू मोल फ्रैक्शन। लेट, इसके लिए आपको स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो ये डेफिनेशन है मोलरिटी की, ठीक है। एंड लेट एम वन जो है ना, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बट मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये इक्वेशन क्या होती है, H2 इज इक्वल टू N2 ओवर N2 प्लस N1, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, ये इक्वेशन है मोल फ्रैक्शन की। और अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज, तो आपका बन जाएगा H2 इज इक्वल टू N2 की जगह स्मॉल m डालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m, स्मॉल m, N1 की जगह 1000 ग्राम, देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट अपॉन m1, इसका मोलर मास m1, तो m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका एलसीएम लोगे तो इक्वेशन x2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका स्मॉल m ओवर स्मॉल m m1 प्लस 1000 अपॉन m1 आना है अपॉन m1। मैं इस m1 को यहां से हटाता हूं और ऊपर ले जाता हूं, देखो m1 यहां। तो ये इक्वेशन मेरी आ जाती है इक्वेशन रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, ये भी मोलरिटी है। तो अगर हम मोलरिटी आपको दे दें तो मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन आपको दे दें तो मोलरिटी, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में। ये रिलेशन अगर याद हो हमें, अगर हमारी मेमोरी के अंदर है, तो हम टिपिकल क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक करें, और मैं आपके लिए नया वीडियो डालता रहूँगा।